हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से टीचर्स की, साथ में प्रिंसिपल की पोस्ट की वैकेंसी है। PGT में सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है, साथ में TGT के टीचर्स की वैकेंसी है। लास्ट डेट 30 अप्रैल रहने वाली है। कैसे आवेदन करना है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ें समझिएगा। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सबसे पहले नोटिफिकेशन देखेंगे। नोटिफिकेशन में सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं किस पोस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। ये सभी जो है वो रेगुलर वैकेंसी हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल की पोस्ट है। पे लेवल 13 के अकॉर्डिंग सैलरी 67,700 रहेगी। 110 इसमें पोस्ट हैं। PGT में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस ये सब्जेक्ट है। सैलरी जो है पे लेवल 11 के अकॉर्डिंग 47,600 सैलरी है PGT के टीचर्स की। और इसमें फिजिक्स की 25 वैकेंसी हैं, केमिस्ट्री की 25 हैं, बायोलॉजी की 22 हैं, मैथमेटिक्स में 35 हैं, कॉमर्स में 17 हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 156 अच्छी खासी वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस की। उसके बाद TGT में इंग्लिश की 255 वैकेंसी हैं, 169 मैथ्स की हैं, साइंस की 92 हैं, सोशल स्टडीज़ की 104 हैं, आर्ट टीचर की 160 है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 89 है और कंप्यूटर टीचर की 83 है। तो कुल जो है 1342 पदों पर ये वैकेंसी है। सैलरी TGT में लेवल 10 के अकॉर्डिंग 44,900 है। आवेदन 1 अप्रैल से स्टार्ट हैं और लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो बिल्कुल आप लोगों को पहले से ही मैंने सूचना दे रखी है वीडियो के माध्यम से। वैकेंसी ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से है। प्रिंसिपल और टीचर्स की वैकेंसी है। एडवर्टीजमेंट नंबर ध्यान में रखना है यदि आप आवेदन करना चाहेंगे, 1/2024। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इस पर जाकर ही आवेदन करना होगा। ये फॉर्म रहा और जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर जो है 15 मार्च को डिटेल एडवर्टीजमेंट के लिए इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। 1 अप्रैल 2024 से लिंक फॉर एप्लीकेशन फॉर OMAV, ठीक है। क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने कहा है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री 45% मार्क्स के साथ में बीएड होना चाहिए और आपके पास अनुभव होना चाहिए प्रिंसिपल की पोस्ट का, किसी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है। PGT के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 2 साल का 50% मार्क्स के साथ में और बीएड मांगा गया है। PGT फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में आपकी मास्टर डिग्री। केमिस्ट्री के लिए बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में आप देखें बहुत सारे ऑप्शन हैं, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट और फिजियोलॉजी। तो इनमें से आप किसी में भी मास्टर डिग्री हो और बॉटनी और जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हो। कॉमर्स के लिए MCOM वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है, ये अब बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। SC ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड, SC BC 45% चाहिए। BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT में हो या BE या BTech किसी भी स्ट्रीम से है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर साइंस में। MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस और IT वाले या MCA वाले, और B या C लेवल डॉएक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इन्होंने इसमें लिखा है कंप्यूटर साइंस के लिए कि उड़िया और इंग्लिश मीडियम में आपकी पढ़ाई हो। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, साथ में जो है BEd होना ज़रूरी है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देखें, TGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज एन ऑनर्स वाले, पास वाले, इलेक्टिव या मेजर या स्पेशल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस विद एटलीस्ट 200 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट विद एन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स या केमिस्ट्री हो या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो यहाँ 2 सब्जेक्ट जो हैं आपके ज़रूरी हैं। TGT साइंस में देखें, बैचलर डिग्री इन साइंस आपकी हो, 3 सब्जेक्ट आपके बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस, सोशल स्टडीज के लिए बीए में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सब्जेक्ट, इन 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. इन एडिशन ही एंड शी शुड हैव वन मोर सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग 8 सब्जेक्ट. तो रिपीट नहीं करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री एज ऑनर्स या इलेक्टिव या पासिंग आपने किया है. आर्ट टीचर के लिए बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ओडिया इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए होने चाहिए. और कंप्यूटर की नॉलेज जो है डिजायरेबल में है, यानी अगर है भी तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक. फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए डिग्री या डिप्लोमा वाले बिल्कुल अप्लाई करें, वीपीएड एमपीएड आपका जरूरी है, ओडिया और इंग्लिश मीडियम में आपकी पढ़ाई हो. कंप्यूटर टीचर की बीई या बीटेक, आईटी, एमसीए, एमएससी आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो है आपके पास जो है ओडिया मीडियम या इंग्लिश मीडियम आप पढ़े होने चाहिए, ये कंप्यूटर टीचर के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, आर्ट टीचर के लिए स्पेशली इन्होंने कहा है. स्पेशल बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही डीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी या टीजीटी की पोस्ट के लिए. उम्र इन्होंने कहा है कि जो भी टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे 21 से लेकर 38 साल तक के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 50 साल तक के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकेंगे. सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड इंटरव्यू रहेगा और परफॉर्मेंस टेस्ट होगा. सिलेबस बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है और यहाँ पर आप जो है सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, सिलेबस आपको नजर आ जाएगा सभी का. तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर पॉलिसी एंड प्रोसीजर, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा. इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नोटिफिकेशन आ गया. सबसे पहले आपको सिलेबस दिखेगा, यहाँ 1 अप्रैल को आपको लिंक मिलेगा एप्लीकेशन करने के लिए, और उसके बाद जो है और भी सिलेबस डाले गए हैं. नोटिफिकेशन आपको यहाँ 15 मार्च का है, ठीक है. और जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर ये कह रहे हैं किस भाषा में होगा, तो इंग्लिश और ओडिया लैंग्वेज में ही होगा, ओडिया लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा. सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर सिटी दी हुई है, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही जो आप फिल करेंगे. एक और चीज इन्होंने लिखी है कि जो कैंडिडेट है मस्ट हैव पास्ड एमआईएल ओडिया अप टू एमई स्टैंडर्ड. तो आपने जो है यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि आपने 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन लेवल पर जो है ओडिया लैंग्वेज जो है किसी ना किसी रूप में पढ़ी हो, ठीक है. चाहे आपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो, लैंग्वेज के रूप में पढ़ी हो, या आपने 10th में ही केवल पढ़ी हो, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर पाएंगे. टीजीटी के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज के लिए आपके पास जो है ओटेट पेपर 2 आपके पास होना चाहिए, या फिर सीटेट पेपर 2 भी है तो भी चलेगा, ठीक है. तो ये वैकेंसी है और इसको मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ. लास्ट डेट ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल लास्ट डेट है. काफी अच्छी वैकेंसी है, जो भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल अप्लाई करें. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू.